हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी के छिलकों से फेस पैक बनाएंगे। तो नॉर्मली हम जब भी अपने घर पे लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि लौकी के छिलके आपकी स्किन पर एज अ मिरेकल का काम कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से हमारे स्किन पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और साथ ही धूप की वजह से हमारी स्किन पर काफ़ी टैनिंग भी हो जाती है। तो ऐसे में ये फेस पैक आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और साथ ही आपकी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करेगा, और साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर आपकी स्किन टोन को भी इवन बनाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, इसके 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी के छिलकों से फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह एक लौकी ले ली है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पिलर की हेल्प से इसके छिलके को एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लौकी के छिलके को एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें लौकी के छिलके डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लौकी के छिलके को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच लौकी के छिलकों का पेस्ट लेंगे। लौकी के छिलकों में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करता है, और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच सैंडलवुड यानी कि चंदन पाउडर ऐड करेंगे। चंदन पाउडर हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है, और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 पिंच टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है, और साथ ही हमारी स्किन पर नेचुरली ग्लो भी ले आती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सफल बनाता है, और साथ ही हमारी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट कर हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, और साथ ही हमारी स्किन को डीप हाइड्रेट कर बहुत ही रिफ्रेशिंग भी बनाता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, और उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें, और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, और साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। प्लस आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी दिखाई देने लगेगी। तो आप भी इस फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।